हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर की हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। डाउटनेट एक एप्लीकेशन है जिस पे क्लास 6 टू 12 आईआईटी, जेईई, एनईटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने डाउट की फोटो क्लिक करनी होगी और आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले हम अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्रिकेटर हो या क्रिकेट में करियर बनाने की सोच रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी के ट्रायल्स हर स्टेट में होते हैं। अंडर 23 का ट्रायल्स देने के लिए आपकी एज 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 लेवल का टूर्नामेंट है और यह ट्रायल्स कोई भी दे सकता है जिसकी एज 23 या 23 साल से नीचे है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों एकदम सिंपल है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपका यहाँ पे ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल में बहुत सारे राउंड होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। ट्रायल कोई भी दे सकता है। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका एक कैंप लगता है जिसपे प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जाती है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिकल चीज पे बात करते हैं, कैसे आप अंडर 23 टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्ट होने के लिए। बिना मेहनत के आप अंडर 23 टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है तो कंपटीशन तो यहां पर होगा ही। और अगर आपने अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 नहीं खेला है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हो सके लोकल मैचेस खेलो और एक अच्छी कोचिंग लो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, जरूर आप अंडर 23 में सिलेक्ट होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।